हाँ जी बेटा जी, बोर्ड के उपर थोड़े लैसन का नाम भी लिखा है और लेखक का नाम भी लिखा हुआ है। सो बच्चे आप लैसन पढ़ांगे। मेरे दादी जी बुढ़े हैं, बहुत बुढ़े, 90 तो 3 उत्ते 93 बरे दे। इतने लेखक दर्शाया कहता कि मेरे जेडे दादी जी ने वह बजुर्ग हैं। एक बजुर्ग होंगे जो 70-80 साल तो उपर होंगे, एक जो 90 तो उपर होंगे, आप बहुत बजुर्ग कहते हैं। लेखक कहता मेरे दादी जी भी 93 साल की उम्र के सन, बहुत बजुर्ग लगते सन। वो छोटे हैं, बहुत छोटे, मसा 4.5 फुट, 4 ते 1/2 फुट, किन्ना हो गया 4.5 फुट। इन्हों का कद दसिया है कि उन्हों का जोड़ा कद हैगा वह किन्ना सी। खुश हैं, बड़े खुश, जिकर सुनहरी किरना चुम्या कमल। कहने कि उन्हों का, मेरे दादी जी का जो चेहरा है वह बहुत हसमुख सी, मुस्कुरादा ही रहा सी। जिमें कहते सवेर दिया किरना, सवेर की रोशनी दिया किरना जदों फुल दे उपर पैंदियां ने, ते गुलाब का कमल जिहड़ा फुल हुंदा है कमल का, वह होर चमकण लग जाता है। इस तरह हमेशा ही मेरे दादी जी का हसू हसू करता चेहरा चमकदा रहिंदा है। ये कोमल हैं, बड़े कोमल, कहिंदा मेरे कोमल नाजुक, मेरे दादी जी बहुत नाजुक हैं। ओ निक्की नदी वांग जेड़ी महकदे बाग दे खिड़दे, बाग दे खिड़दे बूटियां नू छूंदी वगदी है। ते दसदा लेखक कि मेरे दादी जी उस नदी दी तरह सी जो जिसके आले दुआले महकदे हुए फुलां दे बूटे लगे हुए सन, अते ओ उन्ना फुलां दे बूटियां नू छूंदी हुई चलती रहिंदी है। हुण इत्थे नदी नू उन्होंने की प्रतीक लिया, फुलां दा परिवार दे मैंबर। कहिंदे मेरे दादी जी ओ इंसान हन जो हमेशा ही अपने परिवार नू खुशियां, खेड़ां, तंदुरुस्ती बख्शण दीआं दुआवां करदे रहिंदे हन। वो एक पुरातन सिख का नमूना हैं, पुरातन पुराना भाव कि जो पुराने सिख होंगे सीगे उन्हां दा एक नमूना है। उन्हां दे दुआले सैकड़े नवें ख्याल उठते ते इन्हां नूं छूहे बिना मुक जांदे। कहिंदे कि इंसान की जिंदगी दे विच बहुत सारे उतार चढ़ा आंदे आ, बहुत सारे खुशियां गमियां दे मौके आंदे आ, पर इंज लगता सी कि जिमें उन्हां दा मेरी दादी उपर कोई असर नहीं सी हो रहा। काले बदल होण जां धुप्पां लिशकदियां होण, मीह वरदे जां तपदी धरती तपदी होवे, ए पथरीली पहाड़ी दी सिखर उत्ते संगमरमर दे मंदर वांग उन्हां तब्दीलियां उत्ते मुस्कुराउंदे हन जिहड़ियां इन्हां नूं तब्दील नहीं करदियां। कहिंदा कि मेरे दादी जी संगमर, जिवें किसी पहाड़ की चोटी उपर संगमरमर की बनी हुई मूर्ति लगी होवे, एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने ताजमहल नूं लैने, ताजमहल है ना आगरे दे विच बनिया होया, तुसीं तकरीबन तुहाडे विचों बहुत सारे बच्चों ने देखिया भी होना आ। बेटा देखो मीह आंदिया, झक्खड़ आंदिया, हनेरियां आंदियां हैगियां, धुप्पां पैंदियां आ, कि वह ताजमहल नूं कोई असर हुंदा आ? नहीं ना। इस तरह ही कहिंदे कि जिंदगी दे विच बहुत सारे दुख आए, सुख आए, परेशानियां आईया, पर उन्हां दा मेरी दादी जी उपर कोई भी असर नहीं सी हुंदा, भाव वह हमेशा ही परमात्मा दे भाणे विच रहिंदे होए अपना जीवन तोरदे सी, गुजारदे सन। ये जागदे हन, ये सौंदे हन, ये खांदे हन, ये वर्त रखदे हन सब नूं धर्म समझ के। कहिंदे कि कई जिवें बुजुर्ग लोग होंदे आ कहिंदे आ कि सानू नींद नहीं आती, साडा शरीर ठीक नहीं रहिंदा, सानू रोटी नहीं हजम हुंदी, पर मेरे दादी जी सौंदे भी सी, जागदे भी सी, काम भी करदे सी। की समझदे सी कि उन्हां दा एक धर्म है, जो कुछ भी वह कर रहे हैं उसनू अपना धर्म समझ के ही करदे सन, काम करदे हन धर्म समझ के, आराम करदे हन धर्म समझ के। इन्हां लई धर्म कोई सिद्धांत नहीं, कोई अकीदा नहीं, समुचा जीवन है। कहिंदा कि मेरे दादी जी लई धर्म कोई सिद्धांत नहीं सी, कट्टड़ पत्थी नहीं सीगे वह धर्म दे लई,
ते ना ही कोई वहम परम सी। अकीदा वहम परम, कोई भी उन्होंने वहम परम सी, सगों अपनी जिंदगी जीवन का ढंग सी, समुचा जीवन सी, जिंदगी जीवन का ढंग सी। इन्हां दे सुभाव विच धर्म दे मिठे मिठे परमां दी पवित्र है। कदे कोई मेहमान करो असंतुष्ट चला जाए तां कि जां किसे फकीर दा निरादर हो जावे तां इन्हां नूं चंगा नहीं सी लगदा। कहिंदे कि इह अपने घरों कदे भी किसे नूं खाली जां निराश होके नहीं सी जाण दिंदे। इह हर पूरन चन समय वर्त रखदे सन। पूरन चन पूरनमाशी, जदों कहिंदे कि पूरनमाशी हुंदी सी उस दिन इह वर्त चंगे शगना विच विश्वास रखते सन। घरों जाते किसी नाराज नहीं सी होन दिंदे। मिठ मुस्कुराते गुस्से तो बिलकुल खाली हन। इन्हां दे प्रार्थना कमरे विच इक सादी दरी विछी होई सी। पूरा पैरा अंडरलाइन कर लो, दस्या होया कि इन्हां दा जिहड़ा पूजा रूम सीगा ओह कहो जिहा सी। विचकार इक रंगला पीड़ा डट्ठा सी, पीड़ा जिहनूं तख्त पोश कहिंदे आ, जिहदे उपर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान सन। तख्त पोश जिहदे उपर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान सन। ओदे उते पूज्य ग्रंथ साहिब विराजमान सन। इस मुतबरक कमरे विच फर्श ते चांदी दी धूफदान विच धूप धुखदा रहिंदा सी। मुतबरक पवित्र, कहिंदे इस दादी जी दे पवित्र कमरे विच चांदी दी धूफदानी विच सारा दिन धूप धुखदा रहिंदा सी। ओ इन्ने गीत गा लेंदे सन, इन्नियां कहानियां सुना सकदे सन कि जदों असी बच्चे सां किन्नी किन्नी रात तक जिवें किसे जादू नाल मूँह अखां खोली हुंगारे देंदे ते अगे की होया पुछदे रहिंदे सां। कहिंदे कि सानू अपनी दादी दे कोल इक गीतां दा ते कहानियां दा अथा खजाना सुनन नूं मिलदा सी। असी कहिंदे उन्हां दीआं कहानियां ते गीतां नूं बहुत दिलचस्पी दे नाल सुनदे सां। कहानियां हर किस्म दियां, परियां दियां, बहादुरां दियां। सब तो सोहनी कहानी उस मोहनी शहजादी दी कहानी जिसके मूहों फुल किरदे सन। जदों वह हसदी सी ते मूँह तो डिग्या हर फुल बूटा बन जांदा सी ते थोड़े चिर पिछों उहदा सारा राज एक सोहने बाग विच बदल गया सी। इत्थे हुण लेखक दसदा है कि उहनूं अपनी दादी कोलों सुनी मोहनी शहजादी दी कहानी जिहड़ी सीगी ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਹਨੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹਿਲ, ਜੋ ਵੀ ਮੋਹਨੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਕੁੱਤਕਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤਕਤਾਉਂਦੇ ਮੀਂਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤਕਤਾਉਂਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀਜ ਪੋਲੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਣਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਸੀ ਨਾ
देखे हाँ। तुम रंगला पंजाब सारे जने गए उ भी तुम जे उ कमरे बने हुए जिन्हों के सुनियारे का हैगा खड्डिया लगिया हुई देखिया होना उ भी घर के इस तरह के आले बने हुए देखिया होना सारे बच्चों ने जे नहीं देखिया तो हूँ कभी गए तो जरूर देखियो। तो बेटे उत्थे दीवे रखते सी कहिंदा कि मेरे दादी जी भी इदां दे आले विच ही किसी भांडे विच मिट्टी पा के उत्थे बीज बीज दिंदे सी जिहनू की कहिंदे आ खेतरी बीजनी। जदों नराते हुंदे आ थोड़े भी घरां दे विच बेटा पेरेंट्स जिहड़े आ खेतरी बीजदे आ ना किन्हां दे घरां विच बीजदे आ। हाँ जी हाँ तुसीं भी देखदे हो ना कि किद्दां तुहाडे जिहड़े पेरेंट्स हैगे आ खेतरी बीजदे आ। इसे तरह ही लेखक दे दादी जी भी फसल अपने खेतरी जिहड़ी आ बीज दिंदे सी फिर वह की करदे सीगे उन्हूं पानी देंदे नाल कोलियां हरियां चुंझां नूं उच्चा हुंदे वेखदे हरी खेतरी दे सामने ये रोजाना जोत जगाउंदे हन मत्था टेकदे ते प्रार्थना करदे हन। कुछ दिनों बाद बड़े आदर नाल एक एक डाल नूं पुटदे ते उन्हां नाल गल्लां करदे फिर सुखां सुखदे इस खेतरी नूं पानी विच परवाह करांदे हन फिर उस खेतरी नूं पानी विच परवाह कर दिंदे आ वहा दिंदे आ। परवाह दा अर्थ की हैगा आ वहा वहा दिंदे सीगे घर मुड़ के वह गुआढ़ी घर दिया कंजकां नूं बुलाउंदे हन उन्होंने पैर धोंदे हन उन्हां अगे सिर झुकाउंदे हन उन्हां नूं प्यार नाल पकाईयां होईयां चीज़ां खाण नूं दिंदे हन। 85 साल की उम्र तक लेखक दे दादी जी आप कंजकां लई जिहड़ा खाना सीगा वह बनाउंदे रहे हन। हर रोज़ चढ़ते सूरज नूं मत्था टेकदे ते हर शाम नीले आकाश नूं राती कदे चन्न नूं कदे ध्रुव तारे नूं हाथ जोड़दे हन कहिंदे हन इह ध्रुव सत वांग अटल खलोता है। सत हुंदा सच अटल अडोल सत सच अटल अडोल कहिंदे कि जिहड़ा ध्रुव तारा आ उहनूं सच दा प्रतीक मन्निया जांदा कहा जाता है कि जब तक संसार दे विच सच कायम है उदों तक आसमान दे विच ध्रुव तारा रहेगा इहनूं उहदा प्रतीक मन्निया जाता है। नवां चन्न जिन्हां दा प्यारा है जदों ये चन्न हुंदा है उदों ध्रुव धुर कोठे ते चढ़ जांदे हन ते अपनियां निर्बल निर्बल कमज़ोर कमज़ोर अखां दे नाल आकाश दे विच चंद नूं लंभण की कोशिश करते हैं। जदों बेटा पहले दिन चंद्रमा चढ़ता है जदों पहले दिन चंद्रमा हुंदा है तो उस समय चंद्रमा इन्नी बरीक लाइनज हुंदा है जदों पहले दिन चंद्रमा चढ़ता इन्नी बरीक लाइनज हुंदा है मतलब वो जड़ी लाइन आ इस तरह लगती होंगी जिमें ना सिल्वर कलर की लाइन इदा की हो कई बार जो बदल होंगे तो उदो ये दिखाई भी नहीं दिता फिर हौली हौली जिहड़ा इहदा आकार आ वो 15 दिनां दे विच बढ़ जांदा आ अते जिस दिन पूरा चन्न हुंदा हैगा आ जिस दिन पूरा चन्न उस दिन धरती दे उपर बहुत रोशनी जिहड़ी आ वो हो जांदी आ। तां कहिंदे कि अपनियां वो कमज़ोर अखां दे नाल इन्ने पतले चंद नूं देखण दी कोशिश करदे सन। निर्बल अखां नाल कसमैले बदलां दियां चिट्टियां कन्नियां चो चांदी कमान की तार ढूंढते हैं जिस कमान नूं ये ख्याल करदे कि बदल अपनियां कालियां झोलियां दे विच लुको के रसांबदे हन झोलियां पल्ले कि लगता कि बदलां ने अपने पल्लियां दे विच उस चंद नूं लुको के रख्या सी 15 दिनां बाद कढ़िया है। किसे कोठे तो आवाज़ आती ओ उन्हां बदलां दे उत्ते मेरे दादी जी काले पै जांदे हन ते कंबदी आवाज़ विच सारे बच्चियां नूं वाचा मारदे हन असीं उन्हां दे पिछे खड़े हो जांदे हाँ ते अपनियां निर्बल अखां दे नाल ते आप पिछे उन्हां असीं उन्हां दियां बाहां सीधा बनदे हाँ बाहां फड़ के सीधा बनणियां मीनस इशारा करना कि वह देखो बदलों के कोल बिच वह तारियां के कोल इदा इशारा करके उन्होंने जिहड़ा चंद्रमा हैगा आ वह दिखाने की कोशिश करनी पर कहिंदे कि
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁਣ ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਣ ਜੋਗਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਮੁੱਖੜਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਸ਼ਕ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾਂ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਸੁੱਟਦੇ ਬਾਲ ਚੰਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲਈ, ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਭੋਰੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚੰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਤਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮਦੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਜੰਮਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਦਾਦੀ ਨੇ? 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਹੜੀ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਬੇਬੇ ਦੇ ਭੇਤ, ਬੇਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨ ਦਿਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਭੇਤ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਫੋੜੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ 13 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਨ। ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜੀਵਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ? ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ? ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ 4.5 ਫੁੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਹੱਸਮੁੱਖ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਸਰ? ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਹੋਰ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ?
हाँ जी बोलो। हाँ बिल्कुल सही, लेखक दे दादी जी नूं ये गल बिल्कुल भी चंगी नहीं लगती सी कि उन्हां दे घर कोई मेहमान आया होवे और वह असंतुष्ट हो के चलिया जाए, तो नाल ही वह किसी भी फकीर का निरादर नहीं करना चाहते सन। दादी दे प्रार्थना कमरे विच केड़ा केड़ा समान पिया सी? दादी जी दे प्रार्थना कमरे विच केड़ा केड़ा समान पिया सी? जिस दे विच सारा दिन धूप धुखदा रहिंदा सी। क्लीयर हो गया आंसर सारिआं नूं? मोहनी शहजादी की कहानी विच मोहनी शहजादी किहो जिही सी? मोहनी शहजादी की कहानी विच मोहनी शहजादी एक अजिही शहजादी सी जिस दे हसण नाल मूहों फुल किरदे सी अते ओह फुल जिथे भी डिगदे सी उत्थे बूटा बन जांदे सी। इस तरह हौली हौली उहदा सारा महल जां राज एक बहुत सुंदर बगीचा बन गया सी। खेतरी जल प्रवाह करन तो बाद दादी जी कंजकां लई की करदे सन? हाँ जी अरेन बोलो बेटा। हाँ जी क्लियर हो गया आंसर सबनों। अगला है, हर रोज़ सवेरे सवेरे शाम अते रात वेले दादी जी कंजकां लई दादी जी की करदे सन? हाँ जी बेटा बोलो। बैठो। हर रोज़ सवेरे लेखक दे दादी जी चढ़दे सूरज नू शाम नू नीले आकाश नू अते त्रो तारे नू मत्था टेकदे हुंदे सन। उन्हां दा ख्याल सी कि जिहड़ा त्रो तारा है वह सच दा प्रतीक है। दादी जी दे अंतम समय दा वर्णन अपने शब्दां विच करो। लेखक दे दादी जी अंतिम समय तो एक महीना पहला ही मंजे उपर पए पर वो अपना दुख कदे भी किसी नू नहीं दसदे सन, सगो अगर कोई उन्हां दा हाल पुछण भी आंदा तां वह ठीक ही कहंदे सन। ते लेखक मरण तो बाद जदों 13 दिन तक दादी दा अफसोस करन लई घर आंदे लोक आंदे सन तां उन्हां दीआं गल्लां सुन के लेखक नू इंज प्रतीत होया जिवें उहदे दादी नहीं सगो लोकां दा अजिहा बैंक सी जिथे उन्हां दे पेतां नू उन्हां ने खजाने दी तरह सांभ के रख्या होया सी ते उह अपने नाल ही उन्हां पेतां नू भी लै गए सन। मेरे दादी जी इंसानी दिलां दी बैंक सी किवें? लेखक दे दादी जी इंसानी दिलां दी बैंक सन किवें? उन्हीं दस के हटी हाँ बेटा जी। ओहो जिहड़े लोकां दे राह सी सारे लोग उन्हां कोल अपनियां गल्लां करदे सीगे पर ओह किसे दी गल भी अपने परिवार दे किसे मैंबर नाल शेयर नहीं करदे सी, किसे कोल भी नहीं दसदे सी, किसे नूं भी उन्हां दीआं गल्लां नहीं पता सी। इस लई उन्हां नूं लगदा सीगा कि जिहड़े राज दादी दे कोल सन ओह उहदे नाल ही चले गए हन, इसे करके लोग उन्हां नूं अपनी इंसानी दिलां दी बैंक मनदे सन। बेटा उस तो बाद है तुहानूं दित्ता होया क्वेश्चन नंबर 3 ते हेठ लिखिया नूं वाकां विच वरतो दिता होया ना, उहदे विच शब्द है गया सिद्धांत फकीर भरपूर शहजादी कुदरत चोण में कंजकां प्रार्थना इंसानी दिते होया ना। इन्हां शब्दां दे तुसीं वाक बनाउणी आ, क्वेश्चन आंसर करनी आ अपनी नोटबुक दे विच उड़े तो लैके गगे तक, प्लस क्वेश्चन नंबर 3 वाक बनाओ ये तुसीं अपनियां नोटबुक दे विच करनी आ। क्लीयर सारे बच्चों नूं क्लीयर हो गया? हाँ जी
पूरी चटाई जिहड़ी आपां जदों घर दे विच किसी की डैथ हो जाती है तो आपां दरी बिछाई हुंदी है ना जिहदे उपर आके लोक बहिंदे आ तां उहनूं चटाई भी कहिंदे आ, साफ भी कहिंदे आ, दरी भी कहिंदे आ, उहनूं फोड़ी भी कहिंदे आ। हाँ जी, कि जिंदगी जीण दा इक उहनां ने इक सिधांत सीगा, उहनां दा नियम सीगा, कोई उहनां लई वहम भरम नहीं सीगा, इक उहनां दा अपना नियम सी। कुछ जिहड़े कि चुने हुए हुंदे आ कुछ कु। हाँ जी पुत्र जी, क्लीयर सारिआं नूं चैप्टर?